एक महात्मा जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, बीच में टीटी आ गया। कहा महात्मा जी टिकट दिखाइए टिकट। महात्मा जी ने कहा टिकट तो मेरे पास नहीं है। कहा तो जुर्माना देना होगा। कहा आप देख नहीं रहे हो कि हम साधु हैं। कहा आपके जैसा तो बहुत साधु मैं देखा हूं, ट्रेन पर चढ़े हैं तो किराया नहीं दीजिएगा। कहा हमको ज्यादा तंग करोगे तो हम श्राप दे देंगे। कहा आपके जैसा बाबाजी हम बहुत देखे हैं, इस श्राप से हमको डर नहीं। आगे कोई स्टेशन पर गाड़ी रुकी और टीटी महोदय ने महात्मा जी को घींच के बाहर कर दिया ट्रेन से। महात्मा जी गए और प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। अब तो ड्राइवर साहब सीटी हॉर्न दे रहे हैं, गार्ड साहब झंडी दिखा रहे हैं और गाड़ी खुल नहीं रही। गाड़ी तो आधा घंटा 45 मिनट तक स्टेशन पर रुकी रह गई। अब तो यात्री में अफरा तफरी मच गया। किसी को कॉलेज जाना, किसी को कारखाना जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को विद्यालय जाना, किसी को हाट बाजार करना, सारे लोग बेकल हो गए। स्टेशन के बड़ा बाबू से जाके कहा बड़ा बाबू क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है। बड़ा बाबू ने कहा कुछ तो हुआ नहीं, मैंने तो लाइन क्लियर दे दिया है, अब गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है, कारण क्या है। तो एक यात्री कहा कि यही टीटी महोदय साधु बाबा को गर्दनिया देके उतार दिया, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही। तो बारा बाबू ने टीटी से कहा कि आप साधु बाबा से माफी मांग लीजिए कि गाड़ी खुल जाए। टीटी ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम माफी नहीं मांग सकते। तो बारा बाबू ने कहा तो जनता से मार खाइए। टीटी को भय हो गया, अब जाके साधु बाबा से माफी मांग लिया, बाबा हमको क्षमा कीजिए, हमसे गलती हुई। क्षमा मांगा और गाड़ी हॉर्न दे के खुल गई। अब तो साधु बाबा के गरिमा महिमा की क्या ठिकाना है, इतनी इनकी महिमा बढ़ी। लोग ने विचार किया कि इतना ताकत ही साधु में है कि इसके बुद्धि से ज्ञान से 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी रुकी रह गई। अब ऐसा गुरु से कैसा गुरु चाहिए। अब तो जब चेला बनना शुरू हुआ तो एक दो बरस बीते बीते 2-4 लाख चेला महात्मा जी का, और 2-5 बरस के बाद महात्मा जी जब मरने लगे तो जिसको इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था, जिस शिष्य को कहा गुरु जी अब तो आप जा रहे हैं, मठ हमको दे दिए, जमीन हमको दे दिए, गाय भैंस हमको दे दिए, सारा चेला चटिया हमको दे दिए, आई मंत्र ले जाके क्या कीजिएगा, ये भी तो दे दीजिए कि हम भी लोगों का उपकार करेंगे। महात्मा जी ने पूछा कौन मंत्र लेना है। कहा जिस मंत्र से 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रही वो मंत्र हमको चाहिए। महात्मा जी ने कहा बेटा मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है, मैंने 5,000 घूस ड्राइवर को दिया था, 5,000 रुपया घूस गार्ड को दिया था और 5,000 घूस इस टीटी को दिया था, 15,000 रुपया दिया। इनको कह दिया मैं कि आधा घंटा से 45 मिनट तक स्टेशन पर गाड़ी को रोक दो कि हमारा गुरु वही धंधा शुरू हो जाए। 45 मिनट रोका, 15,000 खर्चा, अब तो लाख के लाख बन की विदाई आ रहा।
बंधुओं, ये गुरु लोगों की धंधा है, अपना अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए, अपना नाम समाचार पत्र में छपवाने के लिए, अपना नाम टेलीविजन पर लाने के लिए, अपना नाम समाचार रेडियो से निकलवाने के लिए, अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए इन नाना प्रकार के पंथ बना बना कर और सारी जनता के बुद्धि का ऑपरेशन। तभी तो साहब कबीर ने कहा, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक्ष हो के जो भजे सो ही संत। आप लोग दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। कबीर ने, सदगुरु कबीर ने आपके साथ कोई बेईमानी नहीं की है, साहब कबीर ने आपके साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, कोई आरी नहीं बांधा है। अगर आरी बांधे होते आज मुसलमान भी साहब कबीर के विचार से, बहुत सारे मुसलमान साहब कबीर के विचार से। उन्होंने तो स्पष्ट कहा मुसलमानों से, दिन में रखते हो रोजा रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी कसकर खुश खुदा। ऐ मौलवी, दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और जो रात्रि हुई शाम हुई तो कोई मुर्गा काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो, एक तरफ खून की नदी बहाते हो और दूसरे तरफ इबादत करते हो, अल्लाह कैसे खुश हो जाए। स्पष्ट रूप से कहा, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फुहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फुहरी, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे तीसो रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे तीसो रोजा, घट के अंदर खुदा बसत है तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियारिया जन्म के फुहरी, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, घट के अंदर नूर बसत है तिन कर खबर न पाई, पर गए माया के लहरिया जन्म के फुहरी, हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे, हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे, मन मक्का काया है कावा सिर पर अनहद बाजे, खोल के देखना केवारिया जन्म के फुहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फुहरी। बंधुओं, बड़ी समस्या है, लोगों के सामने गुरु लोगों ने, धर्म धुरंधर लोगों ने, धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म के प्रवर्तक लोगों ने बहुत बड़ा समस्या आके रख दिया। सारे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, किस पंथ में जाया जाए, कौन ठीक है। ये तो मैं कबीर पंथ की बात किया, उससे आगे बढ़िए तो कोई रमानंदी है, कोई आर समाज है, कोई गायत्री परिवार है, कोई युग निर्माण मिशन है, कोई गांधी निर्माण मिशन है, कोई विवेकानंद मिशन है,
कोई बाल जुगेश्वर है, कोई सतपाल जी हैं, कोई सदा फल देव जी हैं, कोई जय गुरुदेव हैं, कोई रामपाल जी हैं, कोई भगवान रजनीश हैं, कोई बाबा हरदेव सिंह हैं, कोई ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, कोई राम रहीम सिंह जी हैं, कोई आशुतोष जी महाराज हैं, कोई ओम शांति है, कोई राधा स्वामी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई इस्लाम है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है। ये समस्या सामने खड़ी है। बंधुओं, सारे समस्या से साहब कबीर ने आपको निकाल के बाहर किया और कहा कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, अगर सुख शांति चाहते हो, तो किसी का लागत तुम्हारे शरीर पर नहीं है, तुम्हारे जीवन में नहीं। तुम्हारे जीवन में किसी का लागत नहीं है। तुम्हारे जीवन में अगर लागत है तो इन माताओं का। मां से बढ़ के इस धरती पर कोई देवी और देवता नहीं। यहां कोई नियम नहीं, यहां कोई नियम नहीं। जिस मां ने पैदा किया है, जिस मां ने अपना, कल साध्वीज भजन गाई थी, मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खा जाना। मां से बढ़ के अगर मां की सेवा पर आप आते हैं, किसी का हिम्मत है कि इसका विरोध कर दे? है किसी पंथ वाले का हिम्मत कि इस पर लाल कलम आके लगा दे? साहब कबीर ने कहा, अगर भक्ति करना चाहते हो तो श्रद्धा भक्ति करो और श्रद्धा रखो अपने अपने मां में। इसलिए कि मां का बहुत बड़ा लागत आपके जीवन पर है। अगर मां नहीं होती तो आप इस दुनिया संसार को आप नहीं देख पाते। वो मां की कृपा है, किसी देवी दुर्गा की कृपा नहीं है, मां की कृपा है कि आपने इस दुनिया को देखा, और मां की कृपा है कि आपने सारे ऋषि महर्षि, सारे वेद पुराण कुरान बाइबिल के बारे में जानकारी प्राप्त किया, सारे देश विदेश के बातों को जानकारी लिया, और सारे निम्न पद से लेकर और उच्च पद तक आपने सुशोभित किया, सारे देवी देवता को आपने जाना। ये सारा श्रेय किसका है? इसी मां का है। इसलिए मातृभक्ति सबसे, हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे मंच से, कि बेटा अगर पूरे शरीर का चाम उतार कर और मां के पैर के अगर वो जूती बनवा दे, चप्पल बनवा दे, तब भी मां का कर्जा बेटा से सदने वाला। यहां आ जाइए, अपने अपने मां की सेवा में आ जाइए, ये जितना पंथ की चर्चा मैंने किया वो सब खत्म। किसी की उंगली नहीं उठ सकती है आपके ऊपर, लेकिन जब आप बहिर्मुख होते हैं, अंतर्मुख नहीं, जब आप बाहर पूजा के लिए निकलते हैं, तो आप किसी देवी का पूजा करते हैं तो दूसरे लोग किसी देवी का पूजा करेंगे, तीसरे लोग किसी देवी, या देवी की तो कमी नहीं। माता तो इतना तैयार किया गया है, इतनी माता तैयार है पूजा के लिए जिसका वर्णन नहीं। अब जो मां पैदा किया वो भीख मांग रही है, जो मां आपको पैदा किया वो भीख मांग रही है, और पूजा के लिए बहुत सारी मां तैयार है, पूजा कीजिए।
और मां के तरफ झांकने के लिए बेटा तैयार नहीं। अनंत देवी देवता के पूजा में जब आप बाहर पूजा के लिए निकलेंगे तो आपको झंझट में फंस जाना है और आपको राग द्वेष में फंस जाना है। किसका पूजा करेंगे? अगर आप केवल दुर्गा का पूजा करते हैं तो सरस्वती आपसे खुश रहेगी क्या? लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी क्या? खुश रहेगी? खुश रहेगी? तब आप राग द्वेष में फंस रहे हैं। याद कर लीजिए, अगर आप राम का मंदिर दरवाजे पर बनवा लिए हैं, राम का मंदिर बनवाए हैं, कृष्ण आपसे खुश क्यों रहेंगे? कभी आपने हिसाब किया? राम ना आपसे खुश होंगे चूंकि उनका मंदिर आपने दरवाजे पर बनाया। कृष्ण आपसे खुश क्यों होंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर कृष्ण का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया तो हनुमान जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? हनुमान जी का मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर आपने हनुमान जी का मंदिर बना लिया दरवाजे पर तो महादेव जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर महादेव जी का मंदिर दरवाजे पर आपने बना दिया तो विष्णु जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? और सब देवी देवता का नाम भी आपको मालूम नहीं है, पूजा तो छोड़ दीजिए। है कोई व्यक्ति 50 को देवता का नाम गिनाइए हमको, कोई गिनाएगा? किसी को पता? तो 56 करोड़ का पूजा कैसे होगा? जब नाम मालूम नहीं है तो पूजा कैसे होगा? एक घर में 25 आदमी हो और 5 आदमी को भोजन मिले और 20 आदमी को भोजन न मिले, वो घर बचेगा कि जलेगा? बचेगा कि जलेगा? तो आप कितना भगवान का, माता बहने भी और आप लोग भी बैठे हैं, कितना भगवान का पूजा कर पाते हैं? ये सारा झूठ, कहीं सच्चाई नहीं है। अगर आपकी पूजा सच्ची है तो बिल्कुल आपका विरोधी है मुसलमान, आपका विरोधी है मुसलमान। वो आपके किसी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रामनवमी और बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, या भागवत कथा, या होली दिवाली, या दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, या विश्वकर्मा पूजा को मानने के लिए मुसलमान तैयार? क्या बिगड़ गया है उसका? क्या मुसलमान के पास बेटा नहीं है कि बेटी नहीं है? क्या उसके पास जमीन नहीं है कि मकान नहीं है? क्या उसके पास बिजनेस नहीं है कि खेती बाड़ी नहीं है, कि नौकरी नहीं है? क्या नहीं है? कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, कि मुख्यमंत्री नहीं है, कि राष्ट्रपति नहीं है? सच्चाई है क्या? सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म सच्चा है कि इस्लाम धर्म सच्चा है? कौन सच्चा है? हमारे हिंदू भाई इस्लाम को नहीं स्वीकार करते हैं। कोई नहीं ईद बकरीद सोबरात कोई नहीं करता है, कोई नमाज अदा नहीं करते हैं, कोई रोजा नहीं रखते हैं। कुछ बिगड़ गया क्या? कुछ अल्लाह बिगाड़ा है आपका? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये भी झूठ है और वो भी झूठ, सच्चाई कहीं नहीं। सदगुरु कबीर के विचार में सच्चाई दिखाई दे रही है। अगर कबीर के विचार से अलग थलग होकर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कतई संभव नहीं है, यह कभी होने वाला नहीं। अगर हम राम का नाम नहीं जपते हैं, अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं, तो हमारा कुछ
बिगाड़ होने वाला नहीं है। अगर हम कृष्ण का नाम नहीं जपते हैं हमारी कुछ हानि होने वाली नहीं है। अगर हम हनुमान जी को नहीं भजते हैं हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कबीर के विचार से अगर हम अलग होके चलना चाहते हैं तो हमारा नुकसान है, हमारे जीवन में दुख और विपत्ति है। कल मैंने कहा था कबीर पंथ में तीन बंदगी क्यों हो रही है और पंथ में नमस्कार प्रणाम नमस्ते एक बार, कबीर पंथ में तीन बंदगी क्यों है? इसलिए कि दुख है तीन, जीवन में दुख है तीन, आधि व्याधि उपाधि, दैहिक दैविक भौतिक, और पाप कर्म है तीन, मन से वचन से और कर्म से। गुण है तीन, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। काल है तीन, काम क्रोध लोभ। और धारा है तीन, इंगला पिंगला गंगा जमुना सरस्वती। मैंने कहा था ये तीन बंधन पूरे विश्व को घेर के रखा है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं और महादेव कहते हैं। ये वास्तविकता है काम क्रोध लोभ, ये तीन बंधन है जीव के ऊपर पड़ा हुआ। अगर ये तीनों बंधन आप नहीं हटाते हैं तो आपका जीवन बिना नरक बने, ये तीनों गुण नरक बना देगा आपके जीवन। तीन दुख, पहला है आधि, आधि कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप। अभी कुछ दिन पहले शीतलहरी चल रही थी, जाड़ा, सारे लोग दुख से ट्राउजर इनर स्वेटर मफलर, पैर में मोजा हाथ में दस्ताना माथा में टोपी मफलर, सोने के लिए तोशक तकिया रजाई लगा के सोते थे। अभी गर्मी आ रही है तो दुख से पंखा चलाए जा रहे हैं। अब भादो के अन्हरिया रात आ जाए तो वहां भी हम दुखी हो जाते हैं। अगर पत्थर गिर जाए तो हम दुखी होते हैं, घर का खपरा फूट गया, एस्बेस्टस फूट गया, गेहूं मकई खेत में रह गया। गाय भैंस को अगर ज्यादा वजन का पत्थर लगा तो वो भी मर जाती है, आदमी मर जाता है। अगर ठनका गिर गया उसमें भी हम दुखी होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बाढ़ आ गया तो बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं। अगलगी हो गई तो बहुत सारे लोग जल के मर जाते हैं। जोरों का आधी तूफान आ गया, पेड़ पौधा घर द्वार घर पर देह पर गिर गया तो उसमें भी चपा के हम मर जाते हैं। एक प्राकृतिक दुख है, सारे लोग इस दुख से दुखी है। और दूसरा व्याधि है, कभी टीवी होगा, एक कच्चा तत्व का शरीर बना है, इसमें कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डायबिटीज होगा, कभी एड्स होगा, कभी लकवा होगा, कभी पोलियो होगा, कभी काला जार होगा, कभी मलेरिया होगा, कभी ब्लड प्रेशर होगा, कभी देह में नोचनी होगा, कभी दिनाय होगा, कभी एक्जिमा होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी माथा में दर्द होगा, कभी दांत में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी हाथ टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, कभी ट्रक के ठोकर से। आज देखे बेचारे दो दो आदमी, एक घर का आदमी समाप्त हुआ।
कभी ट्रक से ठोकर लगेगा, कभी बस से ठोकर लगेगा, कभी रेल से कट जाएंगे, कभी पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी करंट लग जाएगा, कभी पेड़ पर से गिर के मर जाएंगे, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काट लेगा, कभी कुत्ता काट लेगा, कभी भर रात उरीस नहीं सोने देगा, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने देगा। ये दुख, दूसरा दुख है। और तीसरा दुख उपाधि है। घर घर में सास बहू में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, चाचा भतीजा में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पट्टी पटीदार में झगड़ा, जात पर जात में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा। ये तीन दुख जब से हम लोग मां के गर्भ से बाहर आए, ये तीनों दुख हमारे पीछे। इस तीनों दुख से नहीं बचना चाहते हैं क्या? जब आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब ने शरीर का त्याग कर दिया, उन्हीं का गाया हुआ भजन शोभा यात्रा में गाई जा रही थी, अंतिम कड़ी में उस भजन में है, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। अभी तो मां बहने भी बहुत साथी लेकर आई, बैठी है, आप लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे, लेकिन जिस दिन इस काया से आप निकलेंगे, वो यात्रा आपकी अकेली होगी, वहां आपके साथ कोई नहीं होगा। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां अभी आप हैं, एक एक रिश्तेदार, एक से एक धन दौलत, एक से एक महल मकान गाड़ी घोड़ा, जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं, उस सब आपको छोड़ देना है, सब हार के जाना है। जहां हैं वो सब हार के जाना है, और उस पार में क्या मिलेगा इसकी गारंटी है? इस पार के सब कुछ हारना है, उस पार में क्या पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ तो गारंटी कीजिए, कुछ तो ऐसा कर्म कीजिए बंधुओं माताओं बहनों। ये तीन दुख मेरे पीछे पड़ा है, और हम दीवाना होके चलते हैं। हम रूप के घमंड में हैं, हम धन के घमंड में हैं, हम बुद्धि के घमंड में हैं, हम बल के घमंड में चल रहे हैं। पता नहीं, कबीर साहब कहते हैं, काल खरा सिर ऊपरे जागू बिराने मीत, ए मीत जरा जग के रहो, जाके घर है गैल में, सो क्यों सूते नीचिन। और तीन पाप कर्म भी हमारा है। पहला पाप कर्म है मन से, मन का तीन पाप है, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। आपका अपने परिवार के लोग, आपके चाचा के लड़का अगर आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, तो आपके आपको रात्रि में नींद नहीं आएगी ईर्ष्या से।
बात समझ लीजिए, ईर्ष्या से नींद नहीं आएगी। रात रात भर जग के आप बिहान करेंगे, आपके बगल वाले फ्लैट खरीद लिया है, आपके बगल वाले 50 बीघा जमीन खरीद लिया है, आपको ईर्ष्या होगा, आप नींद रात भर नहीं सोएंगे। ये मन का पाप है, ईर्ष्या मन में होता है। आपसे कोई बढ़िया बकता है, आपसे कोई बढ़िया गाने वाला है, आपसे कोई बढ़िया पोस्ट पर आगे है, आपको ईर्ष्या से रात रात भर नींद। ये ईर्ष्या मन की, मन का पाप है। और दूसरा द्वेष, आपका कोई दुश्मन है गांव में, आप द्वेष में रहते हैं, मर क्यों नहीं जाता है, इसका जमीन क्यों नहीं बिक जाता है, इसका बेटा इंजीनियर है वो क्यों नहीं मर जाता है, ये द्वेष अंदर में छिपा के। एक एक आदमी था जिसका उम्र 60 बरस हो गया और एक भी बाल बच्चे नहीं थे, तो पत्नी ने पति से कही, पति देव हमसे आपका वंश खानदान नहीं चला, तो आप एक दूसरी शादी कर लीजिए। तो पत्नी के कथनानुसार वो बेचारा दूसरा शादी कर लिया। संजोग देखिए, दूसरी पत्नी से 1-2 साल बीतते बीतते एक लड़का पैदा ले। अब तो छोटकी पत्नी का मान सम्मान बढ़ गया, उसे लड़का पैदा लिया, और बड़की का मान सम्मान घट गया। बड़की छोटकी को अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा था, अब बड़की को अब गांव घर के औरत सब झगड़ा लगाना शुरू कर दिया। कहा तू तो खुद अपने दुल्हा को विवाह करवा के अपना दुख खरीद, अब खाओ ना रोटी टटाल सुखल आ सब्जी, अब वो खाती है भात दाल सब्जी घी, तू तो अपने तलवार से अपना गर्दन काट लिया। अब रात दिन दोनों में कलह झगड़ा लड़ाई चलने लगा। साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा नित ही बढ़ाइए, झगड़ा बुरी बलाए, दुख उपजे चिंता बढ़े, झगड़ा में घर जाए। रात दिन जहां कलह होगा निश्चित रूप से वहां अमंगल होना है, वहां कुछ न कुछ दुर्घटना घट जाना। जब रात दिन कलह शुरू हुआ, बड़की के मन में ईर्ष्या हो गया, आखिरकार बेटा के चलते इसका मान सम्मान इतना बढ़ गया, हे भगवान इसका बेटा जो मर जाता तो हमारा इसका मान सम्मान बराबर हो जाए। उसके मन में आया ईर्ष्या कि बेटा मर जाए। देखिए संजोग, लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन उस लड़के को अधसर सांप काट लिया। अब वो लड़का मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ है, अभी है जिंदा। डॉक्टर लोग पानी चढ़ा रहे हैं, सुई दे रहे हैं, झाड़ने वाले लोग झाड़ रहे हैं, पूरे गांव के औरत मर्द सब रो रहा है, ये बेचारा दोनों प्राणी भी रो रहा है। अब बड़की घर में बैठ के हंस रही थी, अब होगा ठीक, अब हमारा इसका मान सम्मान बराबर, ये भी निपुत्र हुआ हम भी निपुत्र हुए, अब हमारा इसका मान सम्मान बराबर। यह है ईर्ष्या और द्वेष। और तीसरा अहंकार, लोग मन में छिपा के रखते हैं, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं, अंदर में अहंकार है, मेरे जैसा धनवान इस गांव में कौन है, इस नगर में कौन है,
मेरे इतना रूपवान महिला सब भी अपने रूप के अहंकार में चलती है, पुरुष लोग भी चलते हैं। ये तीन पाप मन का है, मन का विकार है तीन, ईर्ष्या द्वेष और अहंकार। तो हम सदगुरु से बंदगी करते हैं, सदगुरु आपका चरण छूकर मैं संकल्प लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि आज से अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष और अहंकार मैं नहीं रखूंगा। ये पहली बंदगी है हमारी सदगुरु से। और दूसरा पाप है वचन का। वचन का तीन पाप है, गाली देना, झूठ बोलना और किसी की निंदा करना। हम दूसरी बंदगी करते हैं सदगुरु से, सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि आज से इस मुंह से किसी की निंदा मैं नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा और किसी के साथ झूठ नहीं। दूसरी बंदगी। और तीसरा पाप है कर्म का। कर्म का तीन पाप है, चोरी करना, हिंसा करना और व्यभिचार करना। तो हम सदगुरु से तीसरी बंदगी करते हैं, सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से कर्म के द्वारा इस हाथ से किसी का कोई वस्तु मैं नहीं और न किसी जीव का हिंसा करूंगा और न किसी के साथ मैं व्यभिचार करूंगा। ये तीन बंदगी। बीजक में हर जगह साहेब जी चलहू का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, एक बार से भी काम चल सकता था। तीन बार कहने का क्या मतलब है, ये तीन गुण का रस्सा पूरे विश्व को बांध के रखा है। इसलिए तीनों रस्सा को काटने के लिए हमारे कबीर पंथ में जयकारा भी तीन बार लगता है और बंदगी भी तीन बार होती है। यही तीन बोलिए, ये तीन से बच के आपका जीवन सुखी हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है क्या, आपकी मुक्ति हो सकती है क्या, आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है क्या? ये कबीर से कोई नहीं बच के रह सकते। और सारे देवी देवता देवता से आप बच सकते हैं उनको नहीं बच के, लेकिन कबीर को छोड़कर और कबीर को त्याग कर आपका जीवन मंगलमय कभी होने वाला नहीं। इसलिए मूल था सो कबीर लिया, मूल था सो कबीर लिया, डाल लिया सूर अब पत्ता सब तुलसी लिया और सब ढूंढे को। थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा, थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा यानी तुलसीदास जी, सुरबा कहा अनूठा, असत्य बात जुलहबा कहा और कहा सब। बंधुओं मैंने कहा निष्पक्ष भक्ति करना है, मातृ भक्ति, यहां कोई पक्षपात नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, किसी की उंगली नहीं उठ सकती है आपके ऊपर कि यह भक्ति आपका गलत है, और इसका कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं कर सकता, इस भक्ति का कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं चलेगा। कबीर पंथी है तो कोई आर समाज बना लिया, ऐसा नहीं चलेगा। जब मातृ भक्ति बढ़ा पाएंगे इसका कोई डुप्लीकेटिंग होने वाला नहीं, कहीं से नहीं, ये ओरिजिनल है एकदम। अब कोई आदमी ऐसा बोलिए कि क्या इस शरीर पर मां का लागत कितना है और किसका किसका लागत है, कोई आदमी बोलिए इस शरीर पर किसका लागत है और है और किसी का लागत। और दूसरा, हमारे पिताजी ने दूसरा लागत हमारे पिताजी का है इस शरीर पर, पिताजी ने मजदूरी करके
किसी का बिगाड़ करके आधा पेट खा के फाटल धोती पहन के और पढ़ाल के लिखा के आपको इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बना दिया है। किसी का लागत इस पर है? बनाया आपके लिए जमीन खरीदा बेटा के सुख के लिए, आपके लिए मकान बनाया, आपके दूध खाने के लिए गाय भैंस पिता ने खरीद के लाया, आपके चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो बोलोरो फॉर्चूनर खरीद दिया, आपका शादी विवाह कर दिया, दूसरा किसका लागत है? आप पितृ भक्ति करें, आप पिता की सेवा करें। सबसे पहला मातृ भक्ति, इसलिए कि मां का लागत इस शरीर पर 12 आना है, अब पिता का लागत 4 आना है, इसलिए मां को आगे कर दिया गया है और पिता को पीछे कर दिया गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इस भक्ति पर आ जाइए आप, सारे पक्षपात को छोड़ दीजिए, कहीं जाना छोड़ दीजिए, मातृ भक्ति पर आ जाइए, पितृ भक्ति पर आ जाइए। और सबसे बड़ा उद्धार करता मेरा, अपने आप से परिचय कराने वाला, सारे बुरे कर्म को छोड़ाने वाला, सारे मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी चोरी बेईमानी मिलावट बाजी, इन सारे पाप कर्मों से, सारे बुरे कर्मों से, सारी आसक्ति से निकाला किसने? सदगुरु ने। सदगुरु का बड़ा ही उपकार मेरे जीवन पर है, कोई नहीं निकालने वाला है। इस संसार से निकालने वाले एक सदगुरु, माता पिता ने जन्म दिया, वो सेवा का मालिक है। चूंकि मां ने मुझे बहुत सेवा किया, पिता का सेवा मेरे ऊपर है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि सेवा के द्वारा माता पिता के कर्ज से ऋण से हम मुक्ति पा जाए, ये भक्ति। लेकिन सबसे बड़ा उपकार मेरे जीवन पर सदगुरु का है, सारे भेदभाव से निकालकर, सारे गलत कर्मों से निकालकर, सारे दुखों से निकालकर, अगर सही में सदगुरु कबीर का ज्ञान मनुष्य को हो जाए, अगर 5 दिन उसको भोजन न मिले तभी उसको दुख नहीं बुझाएगा, इतना बड़ा ज्ञान। एक बार मैं जा रहा था सत्संग में, हमारे साथ एक आदमी थे, वो रेल से रिटायर किए थे, जब मुजफ्फरपुर में गाड़ी गई तो उन्होंने हमसे कहा, साहब जी एक मित्र हमारा है मुजफ्फरपुर में, टीटी है, उसे हम जरा भेंट करेंगे। हम कहा कि भेंट कर लीजिए। भेंट करने के लिए वो अंदर गए, हमको छोड़ दिए बरामदा पर बाहर। अंदर जब गए तो टीटी महोदय इनसे अपने घर का दुखड़ा सुनाना शुरू किया। भाई में बंटवारा हुआ, भाई ने कुछ अधिक संपत्ति ले लिया, इनको कम दिया, इसके चलते मारपीट हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ, मामला फौजदारी हो गया। यही दुख इनको सुना रहे थे और बाहर में बरामदा पर बैठ के हम सुन रहे थे। मैंने वहां से सदगुरु कबीर की एक साखी बोल दिया बरामदा पर से, कबीर माया बेस्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे बात। इतना बात जब मैं बरामदा पर से बोला
वो टीटी महोदय दौड़ के आए बरामदा पर, कहा साहेब जी एक बार और दोहरा दीजिए। मैंने दोहरा दिया, वो कॉपी में लिख लिया और कहा कि आज मेरा सारा दुख दर्द खत्म, अब मैं भाई से लड़ाई नहीं लड़ूंगा और जाता हूं मामला अब सोलह कर दूंगा। जब साहेब कबीर ने इस धन को वेश्या से तुलना कर दिया तो इसके लिए अब लड़ाई क्या लड़ना है। बातें खत्म कर देना, गया और भाई से केस सोलह कर लिया, समाप्त कर दिया केस को, कहा कि अब लड़ाई लड़ना नहीं। कबीर साहेब कबीर की वाणी औषधि है, मनुष्य के जीवन के लिए वो दवा है, औषधि है। कबीर के बिना जीना इस धरती पर असंभव है, दुख है, क्लेश है, कष्ट है, आपका जीवन दुखमय हो जाएगा साहेब कबीर के बिना। तो मैंने कहा श्रद्धा कहाँ रखना है, अपने माँ में रखिए श्रद्धा, क्योंकि माँ का कर्जा बहुत है आपके ऊपर। माँ का जितना सेवा हो आप सेवा करके उड़ीन हो जाइए, पिता का जितना सेवा हो आप जो मंदिर मस्जिद दौड़ लगा रहे हैं, देवी देवता के पीछे जो खर्च कर रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, सब झूठ है, कहीं सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है कि जितना खर्च करना हो अपने माँ पर, जितना खर्च करना हो अपने पिता पर, ये सच्चाई है, ये वाजिब है और ये सही। और पूजा तो गुरु की होनी चाहिए, माता पिता की सेवा और गुरु की पूजा। इसलिए गुरु गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके गुरु करे से हो। गुरु से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है, सबके बारे में गुरु जी ने ही बताया। बंधुओं ये तीन साहेब कबीर की भक्ति है। कल भी मैंने भक्ति पर चर्चा किया, आज भी मैं भगवान राम जब सेवरी के यहां गए तो नौ प्रकार की भक्ति बताए हैं, लेकिन सदगुरु कबीर ने इस मानव को, इस दुनिया वालों को मात्र चार प्रकार की भक्ति बताया, जिसमें पहली भक्ति है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा अपने माँ में, श्रद्धा अपने पिता में, श्रद्धा अपने सदगुरु में, और श्रद्धा ये आए हुए अतिथि में। अतिथि देवो भव, आपके दरवाजे पर जो संत महात्मा तिथि के आवे, बिना तिथि के आवे, उसकी सेवा में आपको चूकना नहीं। वही तो आपका भगवान है, वही तो आपका पूज्य है, उसकी सेवा में थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये चार मुख्य देवता आपके हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देव। अतिथि का सेवा होना चाहिए। बहुत सारे लोग संत की सेवा में नहीं करते हैं, चूक जाते हैं, ये बहुत बड़ा गलत बात है। आप मंदिर में जाके इतना खर्च करते हो, मस्जिद में जाके इतना खर्च करते हो, बैनाथ धाम में जाके, कल संत जी कह रहे थे कि जहां भागवत कथा हुआ माताएं लोग क्या क्या लेके वहां गई, और जहां सत्संग है वहां क्या लेके आई है, कुछ लेके आई है संत के लिए, कुछ लेके आई है भेंट, कुछ नहीं। लेकिन जहां भागवत कथा हो, जहां महाविष्णु जग हो, जहां महारुद्र जग हो, एक जगह का मुजफ्फरपुर से पश्चिम एक गांव है धनैया, गांव का नाम है धनैया और राजपूत का गांव है। अब वास्तव में लोग धनी है, वहां पर परम पूज्य अभिलाख साहब के बहुत सारे शिष्य भूमिहार और राजपूत
साहब जी के शिष्य, वे लोग हमको बराबर बुलाते हैं, वे लोग हमको बराबर बुलाते हैं कार्यक्रम में। वो पूछते हैं रमा शंकर साहब बिहार में पारखी संत अभी भी कम है, तो बराबर हमको बुलाते हैं कि साहेब जी थोड़ा अच्छा बोलते हैं, पारख सिद्धांत पर बोलते हैं, इसलिए इनको जरूर बुलाया जाए। तो हमको खबर किए तो हम आए, मंच पर गए, मंच संचालक ने मुझे बुलाया तो मैं गया। उस दिन का चर्चा का विषय हमारा था, ईश्वर तीन प्रकार के होते हैं, आधी दैविक ईश्वर, आधी भौतिक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर। ये तीन ईश्वर पर मैंने चर्चा किया, लगभग 2.5-3 घंटा समय बीत गया। अब मेरे पीछे जाड़ा का समय था, मेरे पीछे एक 80-85 बरस के बुजुर्ग अच्छे घराने के राजपूत थे, बनिया कुर्ता धोती बंडी मफलर टोपी लगा के बैठे थे। मैं हटा मन से, माइक छोड़ा और बिना कहे आके माइक पकड़ दिया। एक बीच दर्शक दीर्घा में एक खूब मोटा तगड़ा नौजवान मुंह में शिखर पराग रखे हुए और हाथ में देखा मैं इतना दूर तक बद्धी बैनाथ धाम वाला बांधे हुए था, वो बैठा हुआ था बीच में। उससे हमको भय भी लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ बोला गया तो मंगनी में हमारा गर्दन घुमा देगा। जब मैं हटा वो बैठ गया मंच पर और बोलता है बेटा जुगल किशोर, तो उठ के खड़ा हो गया। हम बुझे मामला आज है गड़बड़, ये कुछ होगा जरूर आज। एक 15 दिन पहले उसके यहां महा विष्णु जग हुआ था, उस व्यक्ति जुगल किशोर के यहां, उसमें उसका लागत था लगभग 20 लाख रुपया। 1.25 महीना चला महा विष्णु जग, 1.25 लाख रुपया का लागत था। पिता ने कहा पुत्र से, बेटा जुगल किशोर, कहा कि हां पिताजी, ये रमा शंकर साहेब का जो अभी प्रवचन हुआ तीन ईश्वर पर, बेटा इससे लगा कि 200 लाख रुपया पानी में चला गया। सारे लोग ठग के ले गए, वास्तविकता कुछ नहीं है, ये झूठ में चला गया, ये झूठ में गया। दूसरा बार जब आचार्य प्रवर धर्मस्वरूप साहब का कार्यक्रम वहां बना, जिसमें रंजीत साहब भी गए थे, कितना स्वागत हो जुगल किशोर सिंह, हमको कहा कि पहले आचार्य प्रवर को मेरे दरवाजे पर लाइएगा, तब यहां से जाएंगे सत्संग में। मैं उनके यहां ले गया साहेब जी को, कितना स्वागत उसने किया साहेब जी का और सारे संत का, वो जुगल किशोर सिंह। बंधुओं, दूसरी भक्ति साहेब कबीर का है, पहली भक्ति तो है श्रद्धा भक्ति और दूसरी भक्ति है प्रेमा भक्ति, मानव मात्र से प्रेम। माता पिता गुरु अतिथि के प्रति श्रद्धा और मानव के प्रति प्रेम। वो प्रेम कैसा, साहब कबीर ने कहा, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरु नाच, पानीप दिन्हो तासुको जो तन मन बोले सांच। कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। साहब कबीर कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते जगत मर गया, लेकिन पंडित कोई दिखाई नहीं दिया। क्यों? उनका कहना है ढाई आखर प्रेम का, पौर संयुक्त एकार मोहलंत, जो प्रेम का पढ़ाई पढ़ा वो पंडित है। तो वास्तव में प्रेम है क्या,
मैंने सोचा, उस दिन मैं मैट्रिक में था, पढ़ रहा था, मैंने सोचा प्रेम तो सास बहू में है, प्रेम तो पति पत्नी में है, प्रेम तो गुरु चेला में है, प्रेम तो पिता पुत्र में है, प्रेम तो साला बहनोई में है, प्रेम तो ससुर दामाद में है। अभी साहेब कबीर कौन प्रेम की चर्चा करते हैं? है क्या प्रेम? एक आदमी एक व्यक्ति से पूछा कि सीता बहन जी ने सत्संग कराई, अब उस सत्संग में आपको मैंने नहीं देखा, आप कहां थे? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूछा, आपको नहीं देखा, आप कहां थे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक पंचायत में चला गया। पूछा पंचायत कैसा था? तो एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, इसी का पंचायत था, उसमें हम चले। उस व्यक्ति ने कहा जब प्रेम में पंचायत हो तो झगड़ा लड़ाई में क्या होगा? है प्रेम में पंचायत की आवश्यकता? है जरूरी? प्रेम हुआ सेवरी और राम के बीच में, कोई पंचायती हुई, कोई झगड़ा लड़ाई हुआ, कोई मामला फौजदारी हुआ? प्रेम हुआ मीरा और कृष्ण के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई कभी हुआ? प्रेम हुआ राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई हुआ? प्रेम हुआ जय प्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई हुआ? फिर इस लड़का लड़की के प्रेम में पंचायती क्यों हुआ? अगर वास्तव में दोनों के बीच प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। राम और सबरी के बीच में कभी नहीं पंचायती हुआ, मीरा और कृष्ण के बीच में कभी पंचायती नहीं हुआ, राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में कभी कोई पंचायती नहीं हुआ। इस लड़का लड़की के बीच क्या हुआ? प्यार। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में धरती और आसमान का अंतर होता है। प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में, और प्रेम हुआ था सेवरी और राम के। प्रेम निर्विकार है, प्रेम में कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होता है, और प्यार में सारे विकार होते हैं। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, इसका नाम है प्रेम, और देह से देह के मिलन का नाम है प्यार। तो पति पत्नी में आत्मा का मिलन है क्या? देह का मिलन है, आत्मा का मिलन। वहां गाली भी होता है, पत्नी भी पति को गाली देती है समय से, और पति भी पत्नी को गाली देता है। मारपीट भी होता है, मामला फौजदारी भी होता है, पर पंचायत भी होता है पति पत्नी के बीच, लेकिन सेवरी और राम के बीच तो प्रेम था, आत्मा से आत्मा। सेवरी कही थी राम से, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद गमारी। प्रभु मैं आपका सेवा कैसे करूं, एक तो मैं जात की मुसहरनी, देखने में काली कलूटी, तीसरे विद्या के हीन, तो मैं आपका सेवा कैसे करूं? तो भगवान राम ने सेवरी से कहा, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मान हूं एक भक्ति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारी दे देखी। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, सेवरी और राम का शरीर दो और आत्मा एक हो गया था, इसका नाम प्रेम है, इसका नाम प्यार है। और प्यार का उर्दू लफ्ज है मोहब्बत। लड़की फंस गई लड़का के मोह में, और लड़का फंस गया है लड़की के मोह में। जहां मोहब्बत होगा वहां पंचायती होगी, जहां प्यार होगा वहां पंचायती होगी, और जहां प्रेम होगा वहां पंचायती की कोई आवश्यकता।